नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। सुशासन बाबू के सरकार में अब विधायक भी सुरक्षित नहीं है। मामला तुरकौलिया प्रखंड का है। इलाके के विधायक राजेंद्र राम ने हरि सिंह पर सेविका बहाली मामले को लेकर पैरवी न करने पर AK-47 के नाम पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मैं हरि सिंह विधायक हूँ। आज सुबह के तकरीबन 8:30 पर एक मेरे मोहल्ला का ही व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, हरि सिंह नाम का, वह पहले भी AK-47 के सप्लायर में और हत्या के केस में नामित होकर के जेल जा चुका है। आज सुबह में वो अपने भाई के पत्नी के लिए आंगनबाड़ी के सेविका के रूप में बहाली के लिए गलत पैरवी कराने का दबाव हम पर बनाया है, लेकिन मैं कहा हूँ कि मैं गलत पैरवी करता नहीं। मैं गलत पैरवी कभी भी पदाधिकारियों के पास नहीं पहुँचाता हूँ। जब मैं इनकार किया हूँ तो उसको ये लगा है कि मैं दूसरे का पैरवी कर रहा हूँ। वह धमकी भरा लहजे में वह 56 और 47 का धमकी देकर, उतना ही नहीं, रूम के अंदर ले जा करके मेरे माथे पर वह जो 3 नट्टा होता है वह सटा करके कोशिश किया है कि मैं इनको जबरदस्ती बुलवा लूं। जब मैं नहीं बोला हूं, हल्ला किया हूं, तो हल्ला करने पर जो मेरे लोग आए हैं दौड़ करके, अंगरक्षक आए हैं और ऊपर से मेरा भाई आया है, उसके पहले वह भागते हुए यह धमकी दे करके गया है कि 47 के बल पर मैं करवा लूंगा, अगर नहीं हुआ तो हम 47 से खून देने का काम करते। मैं इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी कानून हाथ में नहीं लेता है। अगर इस तरह की सरकार में यह जो अपराधी नंगा नृत्य कर रहे हैं, अगर मेरे साथ एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, आम आवाम के साथ क्या होगा? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग हाथ में अपना कानून लेना नहीं चाहते। अगर सरकार बेकाबू हो गई है, उसके हाथ में सरकार कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, एक विधायक के यहाँ चढ़ करके इस तरह का धमकी है, तो जिस रोज राष्ट्रीय जनता दल कानून को अपने हाथ में लिया, उस रोज सरकार को सोचना पड़ेगा और ईंट से ईंट जो है बजाने का हम लोग काम करेंगे। मैं अभी भी कहता कि मैं कानून हाथ में नहीं लेता, मेरी पार्टी कानून हाथ में नहीं लेती। हम लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित तौर पर इस सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वह पार्टी में मैं मीटिंग करूंगा, मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों को बताने के बाद मैं FIR का कॉपी भी तैयार किया है। आज कार्यक्रम है, थोड़ी देर बाद मैं FIR का कॉपी थाना पर देने के बाद स्थानीय SP से मैं बात कर लेता हूं। अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा नहीं गया तो निश्चित तौर पर सदन से लेकर सड़क तक और खास करके यह चंपारण के धरती पर चक्का जाम करने का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग करेंगे, यह हम बता देना चाहते हैं। स्थानीय कचहरी चौक पर युवा राजद पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा राजद के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बल्कि मैं समंतवादियों को और भाजपा और RSS को बता देना चाहता हूं कि आपको लगता है कि लालू यादव को जेल के अंदर डाल देने से यह लड़ाई कमजोर हो जाएगी, यह बिल्कुल लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती है, क्योंकि लालू के 2 लाल तेजस्वी और तेज प्रताप ने मजबूती से सामाजिक न्याय के झंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूर्वी चंपारण युवा राजद के जिलाध्यक्ष हामिद रजा राजू ने HTV न्यूज को बताया। लोग पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर युवा राजद के लोग धरना देने का काम कर रहे हैं कि हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारों पर और PMO के दबाव में जो CBI ने फंसाने का काम किया है, इसके लिए हम लोग आज धरना देने का काम कर रहे हैं और हम लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और हम लोग जो यहाँ पालिका है उसमें उसका हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से निष्पक्ष जाँच होगा और नेता लालू यादव को निर्दोष साबित कर बाहर निकाला जाएगा। वहीं राजद के विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा, CBI के द्वारा भारत सरकार के लोगों को प्रधानमंत्री के दबाव में फंसाया गया है और हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय के द्वारा उचित न्याय मिलेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में आएंगे, सभी गरीबों का लड़ाई लड़ेंगे। चकिया प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जब अतिलाल राम सरेह से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी निर्मम पिटाई के बाद रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया।
इस संबंध में डीएसपी चकिया से एसटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल ने फोन पर जानकारी ली। हाँ अफसर, क्या हुआ था वहाँ पे, क्या है मामला, डेड बॉडी एक मिली है? जी आज चकिया प्रखंड अंतर्गत जो चकिया थाना परसौनी खेम, वहाँ पे गन्ना के खेत में अतिलाल रामक नामक एक शक व्यक्ति का लाश मिला, जिनकी उम्र 55 वर्ष की बताई जा रही है। और इसके पीछे जो मैंने जो यहाँ जानकारी लिया, जो मुझे यहाँ के लोगों से मालूम चला, तो इसमें मेन जो मामला, जो विवाद है इस हत्या के पीछे, शमशान घाट का बताया जा रहा है। शमशान घाट की मिट्टी को काटने को लेकर ये सारा विवाद हुआ है और इसी को लेकर ये मतलब हत्या हुई है जिस तरह का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस संदर्भ में हमने चकिया डीएसपी से हमने फोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि इसके लिए एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, एफआईआर लिया जा चुका है और इसकी जांच चल रही है। रणधीर जी, तो यहाँ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, एससीएसटी एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी जी, तो इसमें जो एससी एसटी के जो बड़े लीडर हैं जो बिहार स्तर के, उनका भी आना यहाँ पे अभी बाकी है और बताया जा रहा है कि वो लोग जैसे ही यहाँ पे आएंगे और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और बड़े स्तर पे आंदोलन की आशंका है। जी, तो अभी क्या डेड बॉडी को रखा गया है या उसका क्या? नहीं, अभी जिसे अभी बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अफसर। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के जिला संयोजक राजू बैठा ने उक्त घटना के बारे में कहा कि शमशान से मिट्टी काटने को लेकर हुए विवाद के तहत इलाके के धीरज दुबे एवं पप्पू तिवारी ने मृतक को कहा था कि मिट्टी काटना अभी रोक देते हैं, तुम्हारे मरने के बाद मिट्टी काट लेंगे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बहुअरवा सुजान चवर में मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाबत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मानव कंकाल मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच हेतु भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार खर काटने के क्रम में एक महिला की नजर कंकाल पर पड़ी, यह बात इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका होने पर उस जगह की खुदाई करवाई, फिर मानव अंग के कुछ हड्डियां भी बरामद हुई। प्रथम दृश्य में यह हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के नियत से नमक के बोरी के साथ शव को दफनाया गया लगता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है ताकि मामले के सच्चाई का पता लगाया जा सके। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना बहुत से लोग देखते हैं और इसके लिए युवा दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत और तैयारियों में कागजातों का भी एक अहम रोल होता है, जिसके लिए इन जवानों को अपने अपने ब्लॉक से लेकर जिले तक दौड़ना पड़ता है। आज मोतिहारी एसपी ऑफिस परिसर में पूर्वी चंपारण के अलग अलग थानों से युवा अपने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जद्दोजहद करते दिखे। वहीं प्रशासनिक महकमे में भी चरित्र प्रमाण पत्र जल्दी जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एसटीवी न्यूज संवाददाता एसपी ऑफिस पहुंचकर वहां मौजूद भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं से बात की। पत्र की जरूरत है, इसीलिए हम लोग एसपी ऑफिस में आए हुए हैं। काफी यहां भीड़ जुटी हुई है बच्चों को और हम लोगों के रामगढ़वा थाना से आए हुए हैं, अंतर्गत है। आचरण के लिए आए हैं, यहाँ काफी भीड़ है, छह दिन थाना के लिए आए हैं। आचरण प्रमाण की जरूरत कहाँ पड़ती है? सैनिक के लिए। सेना भर्ती में जाने वाले हैं, कब से सेना भर्ती है यहाँ पे? यहाँ पर 7 जनवरी से है। तो आप चक्कर मैदान में है? चक्कर मैदान में जाएंगे। चक्कर मैदान में सेना भर्ती की जरूरत के लिए आचरण बनाना पड़ता है, उसके लिए हम एसपी ऑफिस आए हुए हैं। इसमें 21 दिन में आचरण बनाने की देने की यहाँ बीमारी पड़ता है, ज्यादा दिन लगाया जाए। इंडियन आर्मी में जाने के लिए जरूरत है, इसलिए हमको आचरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग एसपी ऑफिस में आए हुए हैं। नाम क्या हुआ आपका? मधुकर कुमार। आप यहाँ आचरण प्रमाण पत्र बनवाने आए हुए हैं, इससे पहले ही बनवाए हैं? आर्मी दौर में कभी गए हैं? जी सर, गए हैं, एक पाल दूसरा बार जा रहे हैं। कहाँ पे गए थे? चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर। अच्छा, क्या होता है वहाँ पे, कैसे कैसे होता है, तो बताइए क्या क्या हुआ था पिछली बार? वहाँ पिछली बार गए थे तो वहाँ दोपहर दौड़ होता है, वहाँ दौड़ में बहुत काफ़ी लगभग 350-300 के लगभग बच्चे का एक टीम बनता है, दल बनता है, समूह बनता है। उसमें दौड़ में जो भाग आगे निकलता है उसको सिलेक्ट कर। वहाँ परेशानी भी होती है किसी तरह की? जी, परेशानी भी होती है वहाँ? तो कोई परेशानी नहीं होती मैं, लेकिन वहाँ भीड़ होती है। भीड़ होती है जी। आर्मी की दौड़ में लगभग 11-12 बजे से हम लोग उठ जाते हैं, बाकी रात में उठ जाते हैं और उसके बाद में अपना प्रेस वगैरह हो जाते हैं और 2:30 बजे से एंट्री होती है, तो हम लोग ऐसे 12 बजे तक लाइन में लग जाते हैं। काफ़ी भीड़ होती है, दौड़ बढ़ाव बहुत ज़्यादा होती है,
बस उसके बाद में एंट्री होती है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है दौड़ के लिए। हम लोग जाते हैं, ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, हम लोग किसी तरह सर पे टोपी रखते हैं, फिर भी ऊपर से मारते हैं, हम लोग हटा देते हैं जी, जॉकेट वॉकेट लगाते हैं। बाकी तो गंजी जंगिया पर जाते ही हैं, दौड़ते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल खान कादरी, उपाध्यक्ष सैयद असगर वारसी, तकनीकी प्रकोष्ठ के साकिब जमानी आज केसरिया पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन के कार्यों की जानकारी ली और मौके पर मौजूद एसटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल से बात की। संगठन के काम के लिए आना, संगठन में तो हम हमारे देखिए यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सैयद इम्तियाज साहब, सैयद असगर वारसी साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, साकिब जमानी साहब हैं और तमाम नेतागण हमारे हैं यहाँ। हम लोग बुद्ध और शक्ति केंद्र पर काम करते हैं। भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को आप देखेंगे तो पहले भारत है, बाद में जनता है, फिर उसके बाद पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो हम जनता के बारे में, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, नौजवानों के बारे में चिंता करते हैं। आज जो वंचित समाज था, जिसको बिजली नहीं मिली थी, जिसको गैस चूल्हा नहीं मिला था, आज़ादी के बाद सड़क नहीं मिली थी, हमने उसको सड़क दिया। आज हमारी सरकार दीनदयाल जी की सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदर्श वाली सरकार, अटल जी वाली, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार, अटल जी ने सड़कों का जाल बिछाया, बुन दिया, नदियों को जोड़ने का योजना ला दिया, तो हम तो जोड़ते हैं उसी प्रकार से, हर घर को हमने बिजली से जोड़ा। राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्युलर के तत्वाधान में चलो चले गांव की ओर किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कोटवा हाई स्कूल प्रांगण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुशवाहा अलमस्त के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष बलराम सिंह, चंपारण किसान प्रकोष्ठ सतीश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता और भारी संख्या में किसान मौजूद थे। स्थानीय गांधी मैदान में चल रहे जिला क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में आज पहले मैच में रॉयल क्रिकेट क्लब ने मनोज क्रिकेट क्लब को 55 रनों से हरा दिया। वहीं ग्राउंड 2 पर हुए मैच में हरसिद्धि लॉयंस ने आरसीसी ब्लू को 64 रनों से हराया, जबकि आज के तीसरे मैच में भोर क्रिकेट क्लब ने एमसीसी को 24 रनों से मात दी। हरसिद्धि लॉयंस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे निकेश को नाबाद 85 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। वहीं 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज अमजद को भी मैन ऑफ द मैच दिया गया, जबकि आज के तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच के विजेता रहे कमरुद्दीन ने नाबाद 82 रन बनाए। इस अवसर पर बिहार के वरिष्ठ क्रिकेट कमेंट्रेटर व एसटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक के द्वारा मैन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। पूर्वी चंपारण से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज। नमस्कार।